मेरठ में रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष में बड़ी सेंधमारी कर आरएलडी, सपा और बसपा के दिग्गजों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि विपक्ष धराशाही हो गया है। इस दौरान केन्यू संवाददाता राजू शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से खास बातचीत की। देखिए, रालोद में बड़ी सेधमारी करते हुए उनके नेताओं को भाजपा ज्वाइन कराई है। सर, आज रालोद में बड़ी सेधमारी की है, बड़े बड़े दिग्गज आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आपके नेतृत्व में। जो लोग पार्टी में, जिन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है, हमारी विचार से प्रभावित होकर पार्टी में आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सबका अभिनंदन हम लोगों ने किया और सबको साथ लेकर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए सब लोग सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से जो हमारा विचार है उसे लेकर आगे बढ़ेंगे। तीन सीटों पर उपचुनाव है, जयंत चौधरी कल मेरठ में थे, कह रहे थे 3.0 से हम जीत रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना? अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उन्हें अपनी बात कहने का या सपने देखने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठनात्मक ढांचे के आधार पर, जनता के बीच में अपने काम के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और चॉइस ऑफ सीजनल है जी। 9 महीने हो गए विधानसभा चुनाव के बाद, कहाँ थे? और बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है, चाहे संजीव बालियान हो, चाहे विक्रम सैनी हो, और जितने भी लोग हैं, राजेंद्र जी हो, सोमेंद्र तोमर हो, जनता के बीच में है। हमारे रचनात्मक काम, सेवा के काम, सरकार के काम, संगठनात्मक काम, जनता के बीच में भाजपा की उपस्थिति है। हमारा संपर्क संवाद जनता से है, जनता से हमारा गठबंधन है और जनता का मोदी जी से गठबंधन। कितनी सीट जीत रही है? सारी सीटें जीतेगी बीजेपी, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी तीनों सीट उपचुनाव में जीत रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा की मेरठ।